नमस्कार, चैनल पूंजी में आपका स्वागत है। आज हम मिड कैप फंड को समझेंगे। हम देखेंगे कि टॉप मिड कैप फंड कौन से हैं, अभी निवेश करने के लिए सबसे अच्छे मिड कैप फंड कौन से हैं, पिछले 5 साल, 3 साल और 1 साल में मिड कैप फंड ने क्या रिटर्न दिया है, मिड कैप फंड के बेनिफिट्स क्या हैं और कैपिटल गेन पे क्या टैक्स है। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पर आगे बढ़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। मिडकैप म्यूचुअल फंड क्या है? मिडकैप म्यूचुअल फंड वो इक्विटी फंड है जो भारत की मिड साइज कंपनियों में निवेश करते हैं। ये कंपनियां भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां हैं। मिडकैप फंड मुख्य रूप से 5,000 से 20,000 करोड़ रुपए के बीच मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश करता है। इन मिड कैप कंपनियों में उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर 101 से 250 तक का स्थान दिया गया है। सबसे अच्छे मिड कैप म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप फंड की तुलना में अधिक रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी होती है। आप जानते हैं मिड कैप फंड के बेनिफिट्स यानी कि फायदे क्या हैं? आज की मिड कैप यानी कल की लार्ज कैप कंपनी हो सकती है। इससे उनमें प्रोग्रेस की बहुत पॉसिबिलिटीज होती है और इसी कारण वो आपको लार्ज कैप फंड से भी अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। दूसरा फायदा है हाई डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि वॉरेन बफेट ने कहा था, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी कि अपना सारा पैसा एक ही जगह निवेश नहीं करना चाहिए। सो अगर आप डायरेक्ट हाई इन्वेस्टमेंट करेंगे मिड साइज कंपनियों में, तो आप 4-5 कंपनियों को ही ट्रैक कर पाएंगे, जबकि मिड कैप म्यूचुअल फंड कंपनी आपके लिए 30-40 कंपनियां या उससे भी ज्यादा कंपनियों में निवेश करेगा। मींस रिस्क बहुत घट जाएगी। मिड कैप म्यूचुअल फंड का एक और फायदा यह भी है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ ₹500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यस, ओनली ₹500। ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी सभी मिड कैप म्यूचुअल फंड कंपनियों की एनएवी को, एक्सपेंस रेशियो को और पोर्टफोलियो को मॉनिटर करती है और वेबसाइट्स पर डिस्क्लोजर्स भी करवाती है। द अपेक्स बॉडी आल्सो क्लोजली रेगुलेट्स दीस डेटा। अब इनमें रिस्क क्या-क्या होते हैं? मिड कैप फंड में वही रिस्क होते हैं जो दूसरे इक्विटी फंड्स में होते हैं। इसमें मेजरली दो रिस्क होते हैं। पहला मार्केट रिस्क यानी कि तेजी से भाव में उतार चढ़ाव आना, और दूसरा बिजनेस रिस्क यानी कि उन कंपनियों में लॉसेस हो जाना जिनमें मिड कैप फंड ने इन्वेस्ट किया। हालांकि वह फंड स्मॉल कैप और सेक्टर फंड की तुलना में कम रिस्क भरा होता है, लेकिन लार्ज कैप या ब्लू चिप फंड की तुलना में रिस्क भरा होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहते हैं तो यह रिस्क काफी कम हो जाता है। मिड कैप फंड के फायदे और जोखिम यानी कि रिस्क को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि मिड कैप फंड में किसे निवेश करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, मोर रिस्क मोर गेन। सो जो लोग रिस्क लेकर हाई प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, वे मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। अब समझते हैं कि मिड कैप फंड पर इनकम टैक्स को। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर निवेशक म्यूचुअल फंड यूनिट्स को खरीदने के 12 महीने के भीतर बेचते हैं तो कैपिटल गेन पर 15% की दर से एसटीजीसी टैक्स लगता है। यह रिटर्न की टोटल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यदि बेची गई यूनिट्स की होल्डिंग अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो ₹1,00,000 से अधिक के प्रॉफिट पर एलटीसीजी टैक्स 10% पर लागू होगा। ध्यान दें कि एक वित्तीय वर्ष में ₹1,00,000 तक की कोई भी राशि इस टैक्स से मुक्त है। टीडीएस। एक वित्तीय वर्ष में ₹5,000 से अधिक के डिविडेंड पर 10% टीडीएस एप्लीकेबल है। अब हम देखते हैं कि एयूएम के मामले में कौन से टॉप मिड कैप फंड हैं। पहला है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज।
32,000 करोड़ के एयूएम के साथ। दूसरे नंबर पर है कोटेक इमर्जिंग इक्विटी फंड, तीसरा फिर है एक्सेस मिड कैप फंड, चौथा है डीएसपी मिड कैप फंड एंड द फिफ्थ वन इज 12,000 करोड़ के एयूएम के साथ निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। लेकिन फंड सिलेक्शन के लिए एयूएम ही क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं कि वो फंड जिन्होंने पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है। पिछले 3 सालों में मिडकैप फंड ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। ये सभी टॉप 5 फंड्स ने सालाना 30% से ज्यादा ग्रोथ दिया है। सबसे अच्छा PGIM इंडिया मिडकैप अपॉर्चुनिटी फंड है, जिसमें प्रति वर्ष 44% रिटर्न दिया है। क्वांट मिडकैप फंड 41% प्रति वर्ष के साथ। इस फंड का AUM काफी कम है। SBI मैग्नम मिडकैप फंड अच्छे AUM के साथ, इसने प्रति वर्ष 33% की ग्रोथ दी है, बट एक्सपेंस रेशियो इज हाई हियर। लिस्ट में चौथा है एडलवेस मिडकैप फंड और पांचवा है मिराई एसेट मिडकैप फंड, प्रति वर्ष 32% के साथ। अब 5 साल के रिटर्न को चेक करते हैं। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे फंड जो कि 3 साल में टॉप परफॉर्मर्स थे, 5 साल के हॉरिजन में भी टॉप में ही हैं। क्वांट मिडकैप फंड जनरेटेड 22.6% CAGR इन लास्ट 5 years। PGIM इंडिया मिडकैप फंड जनरेटेड 21.6% CAGR इन लास्ट 5 years। एक्सिस मिडकैप फंड अराउंड 19%। इस फंड का AUM 18,000 करोड़ है, जो कि क्वांट मिडकैप फंड से काफी ज्यादा है। एडलवेस मिडकैप फंड हेयर आल्सो AUM इज वेरी स्मॉल। कोटेक इमर्जिंग फंड्स गुड AUM एंड रिटर्न्स। इन सभी फंड्स के एक्सपेंस रेशियो में ज्यादा फर्क नहीं है। फंड्स का पिछला परफॉर्मेंस एक रेफरेंस के लिए है। भविष्य में ऐसा प्रदर्शन दोबारा देखा भी जा सकता है या शायद नहीं भी। भारत में मुख्यतः 3 रेटिंग एजेंसीज हैं जो म्यूचुअल फंड को रेटिंग देती हैं। फर्स्ट वन मॉर्निंग स्टार, सेकेंड वैल्यू रिसर्च एंड थर्ड क्रिसिल। हमने एक लिस्ट बनाई है सिर्फ उन फंड्स की जिन्होंने किसी न किसी रेटिंग एजेंसीज द्वारा बेस्ट सेलेक्ट किया गया है, यानी कि कह सकते हैं कि टॉप स्टार या 5 स्टार रेटिंग दी गई है। ये वो फंड हैं जिन्हें किसी भी एजेंसी ने शीर्ष रेटिंग दी है और ज्यादातर ये फंड 3 और 5 साल की श्रेणी के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में दिखाई दे रहे हैं। मॉर्निंग स्टार की टॉप रेटिंग एक्सिस मिडकैप और एडलवेस को है। वैल्यू रिसर्च ने क्वांट, PGIM और एक्सिस को सर्वश्रेष्ठ रेटिंग दी है और क्रिसिल ने क्वांट और PGIM को सर्वश्रेष्ठ का दर्जा दिया है। अब हम सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए टॉप 3 फंड सेलेक्ट करते हैं। टॉप चॉइस और फर्स्ट वन है एक्सिस मिडकैप फंड। रीजन फॉर कंसीडरिंग इट एज टॉप फंड आर, फर्स्ट AUM के मामले में यह 3rd नंबर पर है, सेकंड यह 5 साल के CAGR के मामले में टॉप 5 में 3rd नंबर पर है, जो प्रति वर्ष लगभग 19% ग्रोथ देता है। थर्ड रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ एक्सिस इज, इसके अलावा 2 एजेंसियों द्वारा टॉप रेटेड है, मॉर्निंग स्टार एंड वैल्यू रिसर्च। फंड 8 सेकेंड चॉइस विल बी PGIM इंडिया मिडकैप अपॉर्चुनिटीज फंड। दिस इज एट द सेकेंड चॉइस बिकॉज ऑफ स्मॉल AUM। अगर कोई ये भी सोचे कि AUM से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो उसके ये फर्स्ट प्रायोरिटी बेस कर सकता है, बट वी कंसिडर लार्जर AUM इज बेटर। अदर रीजन फॉर सिलेक्शन आर, इसने पिछले 3 वर्षों में एवरेज 44% CAGR ग्रोथ जनरेट की है। वैल्यू रिसर्च 5 साल के होराइजन में लगभग 22% से प्रति वर्ष ग्रोथ
यह सिर्फ 0.40 एक्सपेंस रेशियो के साथ है। वैल्यू रिसर्च एंड क्राइसिल हैज गिवन टॉप रैंकिंग, सो दिस इज एट नंबर 2। नाउ द थर्ड वन। वैसे तो क्वांट एंड एडलविस 3 साल और 5 साल के टॉप परफॉर्मर्स की लिस्ट में हैं, लेकिन उनका एयूएम बहुत कम है, मेरा मतलब तुलनात्मक रूप से है। इसलिए हम तीसरी चॉइस के रूप में कॉटेक इमर्जिंग इक्विटी फंड का चयन करेंगे। एंड द रीजन इज सेकंड बेस्ट एयूएम ऑफ 22,000 करोड़। पिछले 5 वर्षों में सीएजीआर 17% ग्रोथ है और एक्सपेंस रेशियो भी कम है। तो ये मेरे विचार और चयन है, किसी के भी अलग अलग विचार हो सकते हैं। कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया यानी कि व्यू शेयर करें। यदि आप मेरे माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मुझे deeptirathimf@gmail.com पर मेल करें या कमेंट्स में लिखें। धन्यवाद। और गुड बाय कहने से पहले मैं रिपीट करती हूँ, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के इच्छुक लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू। धन्यवाद।